करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हाय गाइस, सबको स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme 2 Pro के 6GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाले वेरिएंट की, जो कि आपको 16,000 रुपए में मिल जाएगा। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इतना पॉपुलर हो गया ये डिवाइस कि इसने हर जगह धूम मचा रखी है। इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। मैं Realme 2 Pro के 4GB RAM वाले की अनबॉक्सिंग ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखनी है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप 6GB RAM वाले की अनबॉक्सिंग करें, उसके अंदर टेस्टिंग करें, तो इसीलिए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो हम डिवाइस को देखेंगे और हमारे पास इसका आईसी ब्लू कलर है। आप देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं, पहले मेरे पास इसका ओशन ब्लू कलर था और ये हमारे पास आइस लेक कलर है। दोनों कलर्स में कितना डिफरेंस लग रहा है। वैसे तो मुझे इसका आइस लेक कलर ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कलर के लिए जाना चाहते हैं। दोनों ही ब्लू कलर्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दोनों के अंदर आप देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश मिल रही है, जो कि देखने में बहुत ही ऑसम, बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 156.7 इसकी हाइट है, 74mm इसकी विड्थ और 8.5mm इसकी थिकनेस। और ये डिवाइस हमारा 174 ग्राम्स का है। इसके एजेस एकदम राउंडेड है ताकि आप इसको इजिली हाथ से होल्ड कर सकते हैं, यूज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं हमें 6.3 इंच का वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन मिलता है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। और उसके नीचे की साइड स्पीकर्स हैं, उसके साथ माइक्रो यूएसबी पोर्ट, साथ में माइक और उसके साथ 3.5mm हेडफोन जैक। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, टॉप साइड में हमारे पास एक्टिव नॉइस कैंसलेशन माइक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास सिम स्लॉट है जो कि ट्रिपल स्लॉट है, जिसके अंदर आपके दो सिम कार्ड साथ में एक मेमोरी कार्ड आराम से लग जाएगा। और उसके नीचे हमारे पास वॉल्यूम रॉकर्स हैं। बैक बॉटम में हमारे पास Realme की बैजिंग है सिल्वर कलर में, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। उसके ऊपर हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है और सबसे ऊपर हमारे पास डुअल कैमरा सेटअप LED फ्लैश के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस का डिजाइन बहुत ही प्यारा है और इस कलर में बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। अब आइए जल्दी से इसको स्विच ऑन करते हैं। इसके अंदर में फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट लॉक दोनों मिलते हैं, आइए उनको फटाफट से रजिस्टर करें। आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस हो गया सेटअप। इसके अंदर हमें 6.3 इंच का TFT LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको 19:5:9 स्क्रीन रेशियो मिलती है। ऊपर की साइड आपको नॉच नहीं मिलती, बल्कि हल्का सा वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन मिलता है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। यूज करने में इसको बहुत मजा आता है। अगर आप वीडियोज देखें, गेम खेलें, कुछ भी करें इस डिवाइस के अंदर, आपको एक अलग सा ही मजा आएगा। इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपको मिलती है Full HD+ स्क्रीन रेजोल्यूशन 408 PPI के साथ, और आपको इसके डिस्प्ले के ऊपर Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले इसका ब्राइट है, कलरफुल है और मजेदार है। अब अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसके अंदर मिलता है Qualcomm Snapdragon Octa-Core 2GHz का प्रोसेसर, उसके साथ Adreno 512 के ग्राफिक्स, साथ में हमारे पास ये 6GB रैम 64GB वाला वेरियंट है, जिसके अंदर आपको लगभग 46GB इंटरनल मेमोरी फ्री मिलती है। और आप इसकी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं 256GB तक एक डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू। साथ में आपको कलर्स OS 5.2 का इंटरफेस मिलता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 8.1 पे। इसका मैंने एंटीटू बेंचमार्क स्कोर निकाल लिया है और इसका स्कोर आया है 1,31,000। अब ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये हमारा 6GB रैम वाला वेरियंट है, इसका स्कोर 1,31,000 आया, और जो हमारा 4GB रैम वाला वेरिएंट था उसका स्कोर इससे 2,000 ज्यादा आया, 1,33,000। एक्चुअल में तो 6GB रैम वाले का स्कोर ज्यादा आना चाहिए था। कई सारे फोन्स के मेरे पास 4GB, 6GB या 8GB कई सारे वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन उन सब में यही प्रॉब्लम आती है, हमेशा ही कम रैम वाले का हमारे पास ज्यादा स्कोर आता है, जबकि ज्यादा वाले का ज्यादा आना चाहिए।
वैसे मैंने इसके 6GB रैम वाले का गेमिंग रिव्यू भी किया है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 4GB वाले का भी किया था जब मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी थी, और अब मैंने 6GB रैम वाले का भी किया है। वो दोनों वीडियोस मेरे दूसरे चैनल पे हैं, TNG गेमिंग पे, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी जो मैं लेटेस्ट डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग करूंगी उन सब के आपको गेमिंग रिव्यूज उस चैनल पे मिल जाएंगे। आइए डिवाइस की साउंड पे नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं इसकी साउंड बहुत ही फायरिंग और तेज आ रही है, बहुत ही मजेदार साउंड आ रही है इसकी। अब आइए जल्दी से हम डिवाइस के कैमरा पर नजर डालते हैं। इसके बैक पे हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का, जिसमें से 16 वाले का अपर्चर 1.7 है और 2 वाले का 2.4। साथ ही इसके अंदर आपको कुछ मोड्स भी मिलते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड मिलता है 5 मोड पोर्ट्रेट लाइटनिंग के साथ, ताकि आपकी बढ़िया पिक्स आए। उसके साथ आपको स्टिकर्स मिलते हैं, पेनोरमा शॉट मिलता है, एक्सपर्ट मोड मिलता है, HDR मोड मिलता है, फिल्टर्स मिलते हैं। साथ में आप इस डिवाइस से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं 30 FPS पे। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा, उसका अपर्चर 2 है। उसके अंदर भी आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं, जैसे कि बुके मोड, HDR मोड, AI ब्यूटी मोड, साथ में कुछ फिल्टर्स भी मिलते हैं, और उसके साथ आपको स्क्रीन फ्लैश भी मिलता है। साथ ही इसके अंदर आपको इतने सारे स्टिकर्स मिलते हैं कि आप अपने बहुत सारे क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा से हमारी पिक्स काफी अच्छी आई हैं, चाहे वो नॉर्मल मोड हो, चाहे बुके मोड हो, चाहे ब्यूटी मोड हो, हर एक मोड में पिक्स बहुत ही बढ़िया आई हैं। इसका 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा है, काफी अच्छी पिक्स ले लेता है। और जो हमारा बैक कैमरा है उसके अंदर भी आपको काफी सही पिक्स मिल रही है, ब्लरिंग इफेक्ट काफी अच्छा मिल रहा है, डिटेलिंग बहुत अच्छी मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके दोनों कैमरास के पिक्स बहुत ही सही लग रही है। सैंपल्स मैं आपको दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं इमेजेस की क्वालिटी काफी सही लग रही है। इसके साथ आपको इस डिवाइस के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, OTG सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। उसके साथ आपको नोटिफिकेशन बार में या फिर आपके स्टेटस बार में आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। साथ में हमारा जो डिस्प्ले है इसके अंदर भी आप कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा वार्म रखना हो या कूल रखना हो, जिससे कि आपकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। और साथ ही आपको नाइट मोड में मिलता है, ताकि आप अंधेरे में अगर डिवाइस को यूज़ करें तो भी आपकी आईज पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। इसके साथ आपको इसके अंदर डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिलता है, साथ में आपको ऐप क्लोन मिलता है, और उसके साथ आपको गेम स्पेस मिलती है, जिसमें कि आप गेम के ग्राफिक्स को बढ़ा सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं, ताकि गेम खेलते समय आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया आए। उसके साथ आपको स्प्लिट स्क्रीन भी मिलता है, ताकि आप मल्टीटास्किंग आराम से कर सकें। काफ़ी सारे फीचर्स डाले हैं इसके अंदर रियलमी ने। और अगर हम सेंसर्स की बात करें तो आपको इसके अंदर G सेंसर मिलता है, M सेंसर मिलता है, प्रॉक्सिमिटी और लाइट सेंसर भी मिलता है। अब आइए फटाफट से हम बॉक्स के बाकी चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। ये हमारी इजेक्शन पिन, साथ में ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, और ये है हमारा TPU केस। आप देख सकते हैं डिवाइस के ऊपर काफी अच्छा लग रहा है ये, और देखने में तो मुझे ये वाला शेड बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर ही अच्छा लगेगा। और ये हमारा ट्रेवल अडैप्टर, जो कि 10 वॉट का चार्जर है। साथ में ये हमारी माइक्रो USB केबल, और आपको इसके बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स नहीं मिलते, जो कि मुझे लगता है कि मिलने चाहिए, एक्सेसरीज का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आइए फटाफट से हम इसके फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट लॉक को ट्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका फेस अनलॉक काफी क्विकली वर्क कर रहा है, बहुत ही जल्दी हमारे डिवाइस को खोल रहा है। अब हम इसके फिंगरप्रिंट लॉक को ट्राई कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक की परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया आ रही है, काफी कमाल की आ रही है। So guys, ये है हमारा Realme 2 Pro 6GB RAM वाला,
जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया डिवाइस है और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। इसका जो 4GB रैम वाला है वो आपको 13,000 रुपए में मिल जाएगा, 6GB वाला आपको 15,000 रुपए में और 8GB वाला आपको 18,000 रुपए में। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और साथ ही एक जरूरी बात मैं आप सबसे करना चाहूंगी कि मुझे सपोर्ट करें। मैं इस चैनल पे आपको सारे मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग लाने की कोशिश करती हूं। ऐसे चैनल आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे जो खुद खरीद के आपको सारे फोन्स, चाहे वो छोटे बजट के हों बड़े बजट के हों, सारे फोन्स की मैं अनबॉक्सिंग देने की आपको कोशिश करती हूँ। तो मुझे भी आप अपना सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी अपनी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।